अभी हमें क्या है ना, आज हमें क्या है, हमें आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन का एक बार ग्राफ देखना है, ठीक है। हमने मतलब बहुत सारा वो कवर कर लिया था कि आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन होते क्या है, कि एक केस में जो वेपर प्रेशर ज्यादा दे हमें, ठीक है, आइडियल सोल्यूशन के कंपैरिजन में, एक केस में क्या था जो हमें क्या है कम प्रेशर दे, मतलब कि आइडियल केस के कंपैरिजन में, ठीक है। तो जहां हमें ज्यादा वेपर प्रेशर मिल रहा था इसका मतलब वो पॉजिटिव डेविएशन था, जहां हमें कम वेपर प्रेशर मिल रहा था वहां हमें क्या था नेगेटिव डेविएशन था, ठीक है। और फिर हमने इंट्रैक्शन के टर्म में बात किया था, ऑब्वियसली बात है जब इंट्रैक्शन वीक होंगी तो ज्यादा वेपर्स बनेंगे, तो इसीलिए जो पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन क्या है वीक होती है, और जबकि नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो इंट्रैक्शन है वो स्ट्रांग होती है, ठीक है। इसी वजह से वो वेपराइज नहीं कर पाते इजली, तो इसलिए उनका वेपर प्रेशर क्या है कम हो जाता है, ठीक है। और फिर मैंने ये भी बताया था कि डेल्टा एच मिक्सिंग जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव केस में डेल्टा वी मिक्सिंग भी पॉजिटिव होता है, और उसके केस में क्या होता है नेगेटिव के केस में दोनों चीजें नेगेटिव होती है, फिर हमने एग्जाम्पल कर लिया था, ठीक है। ये चीज हो गई, अब हमारा इसमें जो रह गया था वो इनके ग्राफ की बात रह गई थी, ठीक है। ग्राफ देख लेते हैं इनके क्या है, हमने आइडियल का ग्राफ बनाया था ना, हमने आइडियल का ग्राफ बनाया था, पहले वो देखते हैं आइडियल का ग्राफ क्या था हमारा। ये हमारा क्या था, आइडियल का ग्राफ था बेसिकली, ये हमारा क्या था आइडियल का ग्राफ था, ठीक है। मतलब हमने आइडियल ग्राफ में अगर जैसे प्लॉट करना था तो हमने क्या क्या लिखा था, हमने वेपर प्रेशर को प्लॉट किया था किसके वर्सेस, मोल फ्रैक्शन के वर्सेस, ठीक है। मोल फ्रैक्शन में हमने क्या बोला था, इधर हमने क्या है काईवी वन लिया था, या काईए वन ले लेते हैं, ठीक है। इधर हमने काईए क्या है जीरो लिया था, ठीक है। यहाँ काईबी, काईए अगर वन है तो काईबी जीरो हो जाएगा, और यहाँ काईबी क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, हम यहाँ से याद चल रहे थे। तो मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये कुछ ऐसा ग्राफ बना था हमारा, ठीक है। ये आइडियल का ग्राफ बना था हमारा, ठीक है। ये अगर हम बात करें यहाँ पे क्या था हमारा, पार्शियल प्रेशर ऑफ मतलब प्योर प्रेशर था ए का, ठीक है, प्योर कंपोनेंट का प्रेशर था, यहाँ बी के प्योर कंपोनेंट का प्रेशर था, बी कंपोनेंट जो प्योर था उसका प्रेशर था, ठीक है। और ये जो लाइन थी ये क्या थी, टोटल प्रेशर की लाइन थी, ये टोटल प्रेशर की लाइन थी, ये प्रेशर ऑफ ए की, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की लाइन थी, और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की लाइन थी, ये हमारा आइडियल का केस था, ठीक है। अब हमने क्या बोला, अब हमने क्या बोला यहाँ पे, हमने ये चीज बोली कि होता क्या है अगर हम बात करें जैसे पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या है ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू हम आइडियल की जो बात करें, ठीक है। वेपर प्रेशर ज्यादा आता है तो टोटल वेपर प्रेशर जो इस केस में रहता है वो ये रहता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉजिटिव डेविएशन का केस, जहां पे मैंने जो ब्लैक वाला दिखाया था वो तुम देख रहे होगे कि आइडियल से ज्यादा ही है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का भी ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी ज्यादा निकलेगा, और दूसरी चीज क्या होगी, फिर क्या होगा कि हमारा टोटल प्रेशर भी क्या है ज्यादा होगा। तो ये हमारा कौन सा ग्राफ हो गया बेसिकली, पॉजिटिव डेविएशन का, सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, बस ये ग्राफ था इसका, है क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का ग्राफ तो डिक्रीजिंग। हाँ तो डिक्रीजिंग है तो मैंने ये, हाँ डिक्रीजिंग तो चलो है ही है, लेकिन वो देखो ना, जो हमारा जो है जो आइडियल नॉन आइडियल वाला है, यानी ये वाला जो पॉजिटिव डेविएशन ये वाला दिखा रहा है, पॉजिटिव डेविएशन ये वाला दिखा रहा है, और ये आइडियल था तो आइडियल से तो ज्यादा ही है ना, मैं आइडियल से कंपेयर कर रहा हूँ उसको, कि आइडियल से तो पॉजिटिव वाला चीज ज्यादा ही है ना, चाहे वो डिक्रीज वो भी हो रही है, दोनों डिक्रीज हो रही है, लेकिन आइडियल से तो ज्यादा है ना हर उससे, हर कंपोजिशन पे, ठीक है। ये चीज है हमारी, ठीक ठीक है। अब जैसे अगर यही मुझे क्या करना हो, नेगेटिव डेविएशन का बनाना हो, ठीक है, तो नेगेटिव डेविएशन में क्या आ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, तो पहले हमें आइडियल का बनाते हैं, ठीक है, पहले हमें आइडियल का ग्राफ बनाते हैं। अब अपना ये नेगेटिव रहेगा उसमें यहाँ, सर, क्या हो गया, नेगेटिव उसमें बना रहे हुई। हाँ अब ये नेगेटिव डेविएशन का बना रहा हूँ दूसरा, मैं पहले वाला पॉजिटिव का था, अब मैं नेगेटिव का बना रहा हूँ। यहाँ मैंने क्या अपलोड किया, वेपर वेपर प्रेशर, यहाँ क्या अपलोड किया मैंने, मोल फ्रैक्शन प्लॉट किया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, काईए कितना हो गया, वन हो गया, यहाँ पे काईए क्या हो गया, जीरो हो गया, यहाँ काईबी क्या हो गया, जीरो हो गया, यहाँ काईबी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा पीए नोट है, प्योर कंपोनेंट का प्रेशर, यहाँ प्योर बी का प्रेशर है, ठीक है। ये क्या है, टोटल प्रेशर की लाइन है, ये टोटल प्रेशर की लाइन हो गई, ये आइडियल वाला बन गया हमारा, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की लाइन होगी और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की लाइन होगी।
अब मुझे अगर मान लो इसमें क्या करना है, नेगेटिव डेविएशन दिखाना है, तो मुझे पता है कि जो नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो कम हो जाता है तो मैं अगर इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो कुछ इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, टोटल प्रेशर कम हो गया, ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी कम हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ ए भी कम हो जाएगा, ये चीज रहेगी मेरी, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया बेसिकली, ये ग्राफ क्या हो गया, क्या दिखा रहा है मुझे, ये है उसका ग्राफ है जो सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, ये चीज रहती है, ठीक है, सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो ये हमारा क्या हो गया बेसिकली, आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ हो गया, ठीक है। तो मैंने तुम्हें जैसे ये बोला था यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा रहती हैं, मतलब वो सीधा सीधा तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अच्छा आइडियल सोल्यूशन कौन से होंगे, पहले तुम्हें एग्जाम्पल सबके याद होने चाहिए, ठीक है, मतलब इसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है। अभी एनसीईआरटी तुम पढ़ोगे तुम्हें दो दो एक दो एग्जाम्पल और मिल जाएंगे, तुम मॉड्यूल पढ़ोगे तुम्हें और एग्जाम्पल मिल जाएंगे, तो जितने भी तुम्हें मिल रहे हैं ना आइडियल और नॉन आइडियल केस में, वो तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है, वो तुम्हें याद रखने हैं आइडियल और नॉन आइडियल के केस में, ठीक है, ये चीज हो गई। फिर इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है वो भी तुमको याद रखनी है, ठीक है, ये चीज ध्यान देना तुम, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन का यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। चलो अब देखते हैं, अब एक टॉपिक होता है, बोलो सर एक बार सर इसके एग्जांपल बता दें, क्योंकि सर बुकलेट में क्वेश्चन करे सर उसके अंदर मतलब एग्जांपल ज्यादा ज्यादा है सर इसके, काफी मतलब कोई पायरेडाइन को भी यूज करके और उसको भी नहीं नहीं ज्यादा नहीं करने हैं, मतलब इतने भी ज्यादा नहीं करने, जो तुमने नाम सुने हुए ना कम से कम वो कर लेना, ऐसे नहीं है कि कुछ नाम सुने ही नहीं है, मतलब कुछ ज्यादा ही अंतर है वो नहीं करने हैं, ठीक है। जैसे अगर इसमें बात करूं, अगर मैं बात करूं जैसे पोस्टल डिवीजन में इथेनॉल और एसीटोन का एग्जांपल हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और C2H5OH पॉजिटिव डेविएशन में क्या 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 वाटर प्लस C2H5OH पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल, मतलब हाँ वही कह रहा हूँ कि तुम्हारे जो उसमें मॉड्यूल में लिखे हुए हैं ना तुम कर सकते हो वो चीजें, ठीक है। यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें तो कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन हो गया, एसीटोन। हाँ, इसका हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लू मैं तो फिनोल और एनिलीन का एग्जाम्पल हो गया, यस सर, ठीक है। हाँ और तुम इथेनॉल और वाटर इसमें आ गया, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर आ गया, मतलब एसिड प्लस वाटर मतलब कि जो एसिड प्लस वाटर क्या कहता है वो नेगेटिव डेविएशन जनरली दिखाता है, ठीक है, ये चीज होगी। तो आइडियल के भी हमने देख लिए थे, बेंजीन टोलमीन आइडियल को तो दिख के पता चल जाएगा, जो सेम सेम से लगेंगे ना आइडियल में वही हमारे क्या है, मतलब कि जैसे हमने बोला था ना ब्रोमो मिथेन और क्लोरोमिथेन, ज्यादा फर्क है नहीं, ब्रोमो क्लोरो के फर्क है बस, तो वो क्या है आइडियल बनाएंगे, ठीक है, तो आइडियल वाला भी दिख जाएगा हमें, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल हो गए हमारे, ठीक है, ये चीज हो गई। चलो अब एक बात करते हैं, एक हम बात करते हैं एजियोट्रोप की, एजियोट्रोप की, अब एजियोट्रोप को समझते हैं और फिर हम इसके टॉपिक को खत्म करके क्वेश्चन करेंगे इसके, ठीक है। एजियोट्रोप मिक्सचर को थोड़ा ध्यान से देखना, चलो पहले मैं बता देता हूँ कि एजियोट्रोप होते क्या क्या है, फिर कोशिश करूंगा थोड़ा एक्सप्लेन करने की कि कैसे हम देखते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि जो एजियोट्रोप का जो टॉपिक है अगर पूरे अच्छे से समझना है, देखो एजियोट्रोप एक टॉपिक है जो कि पूरा अच्छे से समझने के लिए क्या है हायर लेवल पे पढ़ना पड़ता है, ठीक है, बीएससी एमएससी लेवल पे पढ़ना पड़ता है, ठीक है, और तुम्हारे सिलेबस में ज्यादा है नहीं है इसके बारे में, तुम्हारे में सिर्फ थोड़ा सा डेफिनेशन का है कि तुम्हें डेफिनेशन पता होनी चाहिए और कौन सा क्या बना रहा है क्या नहीं बना रहा वो पता होना चाहिए, बस ज्यादा डिटेल में है नहीं है तुम्हारे, ठीक है। तो तुम्हें मतलब कि मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ उतना ही समझाऊं जितना कि तुम्हारे लिए जरूरी है, ठीक है, और तुम्हें उतना ही करना है, उसके आगे पीछे कहीं नहीं जाना तुमको, क्योंकि अगर इसको ढंग से समझना चाह रहे हो तो वो तो कब होगा जब हम बीएससी एमएससी लेवल की में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको ज्यादा दिल पे लेने वाली बात टॉपिक नहीं है कि ठीक है अरे हमें समझ नहीं आया तो क्या हो गया, नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ दो तीन चीजें याद रखनी है इसमें बस और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। चलो देखो एजियोट्रोप मिक्सचर क्या होते हैं, एजियोट्रोप मिक्सचर क्या होते हैं, ये बाइनरी लिक्विड के मिक्सचर होते हैं, ये बाइनरी मिक्सचर होते हैं, ठीक है, लिक्विड के मिक्सचर होते हैं, जिसमें बाइनरी मिक्सचर बताया था ना मैंने तुम्हें, बाइनरी सोल्यूशन क्या होते हैं जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट, तो ये भी क्या है बाइनरी मिक्सचर होते हैं, ठीक है, जिनका क्या है हैविंग सेम कंपोजिशन इन इन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज सॉल्यूशन फेज, वेपर फेज एंड लिक्विड फेज और सॉल्यूशन फेज, ठीक है, एक चीज तो ये हो गई, ये एजियोट्रोप्स होते हैं हमारे, ठीक है। इनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स रहती हैं, पहली करेक्टरिस्टिक क्या रहती है, ये जो बॉयल करते हैं, ये बॉयल करते हैं कैसे, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर,
ठीक है, एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, ठीक है, इसको इसके लिए हम इनको क्या बोलते हैं, इनको ये भी बोला जाता है कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, मिक्सचर, हाँ कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोला जाता है इनको हम, ठीक है, ये चीज हो गई। अच्छा तीसरी करेक्टरिस्टिक क्या रहती है, देख जो ये मिक्सचर होते हैं इनको दे कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दे कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज हो गई हमारी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं, थोड़ा समझते हैं इसको, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को देखते हैं हम। देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तुमने पढ़ा होगा कि हम उन लिक्विड के लिए यूज करते हैं जहां पे बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो 25 से कम रहता है ना, 25 से कम रहता है, उसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, दो लिक्विड है हमारे पास ए और बी, हम दोनों को वेपराइज करवाते हैं, ठीक है, दोनों क्या है, वेपराइज होते हैं, ठीक है, बस ये है कि जो ज्यादा वोलेटाइल होगा ना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो ज्यादा वेपराइज होता है, ठीक है, और उसको क्या है बहुत लंबे तक ले जाते हैं, तुमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा हुआ है ना। एक लिक्विड का मिक्सचर है ए और बी, ठीक है, यहाँ पे मिक्सचर है ए और बी का, ठीक है, दोनों का डिफरेंस जो है बॉइलिंग पॉइंट का 25 से लेस है, और ठीक है मैंने इनका मोल रेशियो मान लिया, मैंने इनका मोल फ्रैक्शन जो मान लिया कि इनका मोल फ्रैक्शन यहाँ क्या है, ठीक है, ए का क्या है, ए का मोल फ्रैक्शन क्या है, अगर बेसिकली बात करूं तो मैं ये हो गया 0.5 ले लिया, बी का मैंने क्या ले लिया 0.5 ले लिया, ठीक है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है ना, देखो मैंने इसको हीट किया, ठीक है, इसको हीट किया और मैं मान के चल रहा हूँ ए क्या है मोर वोलेटाइल है, ठीक है, ए क्या है मोर वोलेटाइल है, ठीक है, जिसके ज्यादा वेपर्स बनेंगे यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा बेसिकली, ठीक है, तो जब मैंने इसको हीट किया तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट किसका अचीव होगा, ए का या बी का, ए का अचीव होगा, अब ए का अचीव होगा, देखो तो इसका मतलब यहाँ पे वेपर्स बनेंगे, ठीक है, ये बंद कर देते थोड़ा सा, यहाँ पे हमारे क्या हो गए वेपर्स बन गए, ठीक है, यहाँ वेपर्स बन गए, ठीक है, यहाँ पे दोनों वेपर्स किसके आएंगे, ए और बी के दोनों के आएंगे, क्योंकि ए और बी के बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस है नहीं है, 25 से नीचे ही है वो डिफरेंस, ठीक है, yes, और ए और बी के दोनों के वेपर्स आएंगे, लेकिन एक चीज हम श्योरिटी से बोल सकते हैं कि ए के वेपर्स ज्यादा होंगे, ए के वेपर्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ये हमने श्योरिटी से बोल दिया, ठीक है। तो चलो मैं अगर इनके वेपर फेज की बात करूं तो वेपर फेज में जो इनकी कंपोजिशन है वो क्या रहेगी, मान लो एज्यूम कर लेते हैं कंपोजिशन ए की ज्यादा होगी, तो मैंने एज्यूम कर ली ए क्या है, ऐसे समझ लेते हैं 0.6, ये ए हो गया हमारा 0.6, बी हो गया हमारा 0.4, ये चीज आ गई, ठीक है, ये चीज हो गई हमारी कि मतलब हमारा जो वेपर फेज में कंपोजिशन था ए कितना आया मोर फ्रैक्शन में 0.6 आया और बी कितना आया हमारा 0.4 आया, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, यही होता है कि मैं इनको क्या करता हूँ कंडेंस करवाता हूँ, ठीक है, इनको मैंने क्या किया कंडेंस करवा दिया, कंडेंस करवा के ऑब्वियसली बात है ये लिक्विड बनेंगे, ये लिक्विड बनेंगे बेसिकली, लिक्विड में अगर फिर से मैंने यहाँ पे ए और बी ले लिया, ठीक है, यहाँ पे ए और बी आ गया मेरा, ठीक है, फिर से लिक्विड बने, कंपोजिशन क्या रहेगी, अब वेपर फेज में कंपोजिशन 0.6 और 4 थी, तो वही लिक्विड फेज में रहेगी कि नहीं रहेगी 0.6 और 4, है ना, यही चीज होगी। अब मैंने इसको फिर से हीट किया यहाँ पे क्या हुआ, फिर से वेपर्स बने हमारे, ठीक है, फिर से वेपर बने, फिर से वही चीज होगी, ए बनेगा और बी बनेगा, ठीक है, अब फिर से बात होगी कि ए का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था और ए का तो लिक्विड के अंदर मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा था, और हमने ये पढ़ा हुआ है राउंड फ्लो में, जितना जिसका ज्यादा मोल फ्रैक्शन होता है उसका प्रेशर उतना ही होता है, यानी वेपर्स ज्यादा उसी के बनेंगे, तो यहाँ पे फिर से ए ज्यादा होगा और बी क्या है लेस होगा, मान लो कंपोजिशन मान लिया मेरी ए की आ गई 0.7 और यहाँ आ गई बी की 0.3 आ गई, सॉरी 3, ठीक है, तो तुम क्या देखते जा रहे हो यहाँ पे, तुम एक चीज नोट करते जा रहे हो, एक चीज नोट करते जा रहे हो कि जैसे जैसे अब मैं इसको आगे करूंगा फर्दर, ठीक, जैसे जैसे मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ तो जो वेपर्स है ना वो किस में रिच होते जा रहे हैं, वो ए में रिच होते जा रहे हैं, मतलब वेपर्स की अगर कंपोजिशन को देखूं मैं तो वेपर्स की कंपोजिशन में ए बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ लेकिन बी कम होता जा रहा है, जैसे स्टार्टिंग में अगर बात करूं तो बी 0.4 था, अब बी कितना हो गया 0.3 हो गया, ए क्या था 0.6 था, फिर क्या हो गया 0.7 हो गया, मैं अगले स्टेप में चलूंगा तो फिर से क्या होगा,
ए क्या हो जाएगा हमारा 0.8 हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, मैं अगले स्टेप में चलूंगा तो ए कितना हो जाएगा 0.9 हो जाएगा, बी कितना होगा 0.1 हो जाएगा, और उससे अगले स्टेप में चलूंगा तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या मिलेगा वहां पे, ए मिल जाएगा, ए ही बचेगा सर, ए मिल जाएगा ना, मतलब क्या होगा, मैंने ए बी के मिक्सचर में से ए को सेपरेट कर लिया वहां पे, हालांकि उसकी क्वांटिटी कम होगी क्योंकि ए थोड़ा बहुत पीछे भी पड़ा हुआ है, लेकिन हाँ ये है कि वो जो मिलेगा ए वो प्योर होगा मेरे पास सर। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे, रिपीट कर दो सर इसको, बता दो सर 0.7 0.3 कैसे, ये ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ अपनी तरफ से, मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ कि ये कंपोजिशन अज्यूम कर रहा हूँ, एक्चुअल में कुछ भी हो सकती है वो, बस इतना मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में ए और बी लिया, दोनों की कंपोजिशन जो दोनों का मोल फ्रैक्शन जो ले लिया 0.5 0.5 ले लिया, और मैंने अज्यूम कर लिया कि ए मोर वोलेटाइल है, ठीक है, इसको बस तुम्हें समझना है, इसको दिमाग में भी नहीं रखना है, बस मैं जो कंसेप्ट इसके बाद बताने वाला हूं उसको बस ध्यान में रखना है, तो इसके हिसाब से करूंगा ना, ये तुमसे कोई पूछेगा फ्रैक्शनल डिफरेंशिएशन कैसे हुआ कैसे, कुछ भी नहीं पूछेगा तुमसे, ये तो बस मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो हम बोल रहे हैं ना कि हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, तो उसके लिए मुझे तुम्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन थोड़ा बताना पड़ रहा है, फिर हम ये देखेंगे हम क्यों नहीं सेपरेट कर सकते, बस इसलिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है, तो तुम इसको बस दिमाग में रख, मतलब ऐसे समझो, ठीक है, ना याद रखने की जरूरत है क्या था क्या नहीं है, ठीक है, और क्या कहते हैं ना पढ़ने की जरूरत है इसको, ठीक है। तो चलो देखो, अब मैंने क्या बोला कि मैंने ए और बी का मिक्सचर लिया 0.5 0.5 मोल फ्रैक्शन लिया, और मैंने ये चीज बोल दी कि ए क्या है, मोर वोलेटाइल है, ए मतलब मोर वोलेटाइल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस है, इसका मतलब ये क्या है, ज्यादा वेपर्स बनाएगा, और मैंने दोनों को हीट करना स्टार्ट किया, जब दोनों को हीट करना स्टार्ट किया तो वेपर्स बने यहाँ पे, ठीक है। अब जो पहला केस लेके चल रहे हैं, ठीक है, लिक्विड फेस की अगर मैं बात करूं, लिक्विड फेस में क्या था मेरे पास, ए कितना था 0.5, बी कितना था 0.5 था, जब मैंने इनको हीट किया, ठीक है, मैं वेपर फेज में पहुंचा, अब मुझे पता है वेपर फेज में क्या होगा कि ए ज्यादा होगा बी कम होगा, ठीक है, ए ज्यादा होगा बी कम होगा, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि ए मान लो 0.6 है, बी कितना है 0.4 हो जाएगा, उसके हिसाब से मोल फ्रैक्शन की बात करता हूं मैं यहाँ पे, ए क्योंकि ए मोर वोलेटाइल था, ठीक है, ए ज्यादा वेपर्स बना सकता था, ए का बॉइलिंग पॉइंट कम था, तो पहले ए के वेपर्स बनने स्टार्ट होंगे, ठीक है, बी के बाद में बनेंगे, तो ऑब्वियसली बात है ए के वेपर्स ज्यादा होंगे, बी के थोड़े कम होंगे, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि ये क्या है वेपर फेज की ये कंपोजिशन हो गई 0.6 और 0.4। अब मैंने क्या किया, इन वेपर्स को कंडेंस किया, कंडेंस करके लिक्विड बनाया, ठीक है, कंडेंस करके लिक्विड बनाया, उसको मैंने क्या कर दिया, दूसरे केस ले लिया उसका, उस लिक्विड को मैंने क्या किया, दूसरे केस में ले लिया, तो अब लिक्विड फेस की कंपोजिशन क्या हो जाएगी, अब मैंने जैसे यहाँ लिक्विड लिया था ना, इन्हीं को वेपर्स को कंडेंस करके यहाँ लिक्विड लिया था, इसकी कंपोजिशन क्या हो जाएगी, वेपर्स की जो कंपोजिशन है वही तो लिक्विड की रहेगी ना, क्योंकि वेपर्स तो उतने ही हमने सारे कंडेंस कर दिए ना, तो सारा का सारा लिक्विड में बदल दिया, तो कंपोजिशन तो वही रहेगी, ए की कितनी हो जाएगी और बी की कितनी हो जाएगी, ए की हो जाएगी 0.6 और बी की हो जाएगी 0.4। अब मैंने इसको फिर से हीट किया, ठीक है, मैंने इसको फिर से हीट किया, ठीक है, यहाँ क्या हुआ बेसिकली, यहाँ अगर वेपर फेज बनेंगे फिर से क्या होगा, अब दोनों का, अब दो चीजें लगने लग गई, ए को क्या लगने लग गई, एक तो ए मोर वोलेटाइल तो था ही, ठीक है, एक तो ए मोर वोलेटाइल था तो उसके वेपर ज्यादा बन नहीं थे, दूसरी यहाँ पे क्या होगी कि ए के मोल फ्रैक्शन भी बढ़ गया, ठीक है, ए का देखो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ गया बी के हिसाब से, तो इसके और ज्यादा वेपर बनेंगे अब तो, है ना, और ज्यादा बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो इसका मतलब वेपर फेज में अगर ए जाएगा तो ज्यादा होगा, बी क्या है कम होगा, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि मान लो इसके 0.8 बन गए, इसके 0.2 रह गए, ये चीज क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर से मैंने इसको क्या कंडेंस किया, इसको मतलब कंडेंस किया वेपर्स को, ठीक है, वो लिक्विड बन गए, तो केस थर्ड आ गया मेरे पास, केस थर्ड आ गया, केस थर्ड में क्या है, लिक्विड फेज जो होगा मेरे पास उसमें ए कितना होगा 0.8, बी कितना होगा 0.2, और फिर हम अगर वेपर फेज की बात करें, वेपर फेज में अब क्या होगा, अब ए तो और ज्यादा वोलेटाइल तो था ही वो, लेकिन उसका मोल फ्रैक्शन और ज्यादा बढ़ गया, अब क्या होगा हमें वेपर फेज में प्योर और प्योर ए मिल जाएगा और बी क्या हो जाएगा, जीरो मिल जाएगा। तो देखो मैं ए और बी के मिक्सचर को सेपरेट करना स्टार्ट किया था और मैं थर्ड फेज तक पहुंच के मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या मिल गया, मुझे ए मिल गया यहाँ पे, ठीक है, ए मिल गया यहाँ पे, तो मेरा क्या हो गया, ए अलग हो गया, मतलब की ठीक है, ए अलग हो गया, ठीक है, मतलब ए प्योरीफाई मेरे को ए मिल गया, तो ऐसे मैंने इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट कर लिया। यहां तक चीज क्लियर हुई, यहां तक चीज क्लियर हुई, यस सर। चलो चले आगे अब, ठीक है, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कंसेप्ट होता है, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कंसेप्ट होता है, और तुम एक चीज और ध्यान रखना, सर जैसे जो वेपर पड़ रहा है तो लिक्विड भी तो कम होगा, एक मतलब
सर जो ए हमारे पास सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है तो वो वेपराइज हो रहा है, वॉलेटाइल है वो ज्यादा, हाँ? और जो उसका लिक्विड के अंदर ए का कंटेंट है वो तो कम होएगा, तभी तो वेपर के अंदर कंटेंट बढ़ेगा उसका। हाँ तो मैं तो कह ही रहा हूँ ये तो होगा ही होगा। हाँ वो तुम ये वाले बात कर रहे हो, तुम ये वाले लिक्विड की बात कर रहे हो शायद कि इसमें ए कम होगा, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ कि इसमें तो ए कम होगा ही होगा, इसमें बी बढ़ेगा, इसमें इस लिक्विड में क्या होगा, बी बढ़ जाएगा, ठीक है, इसमें ए कम हो जाएगा बी बढ़ जाएगा मोल फ्रैक्शन में, और ऊपर क्या होगा, लेकिन ऊपर ए बढ़ेगा गैसियस में बी ज्यादा कम होगा, मतलब ये चीज है। तो सर जो बी होगा जो वेपर के अंदर प्रेजेंट होगा वो सोल्यूशन के अंदर भी तो कन्वर्ट होगा, क्योंकि हमारे पास एरिया तो लिमिटेड ही है, जिसके अंदर अगर हमारा ए बढ़ रहा है तो बी कम भी तो होगा उस हिसाब से, तो वो जो कम हो रहा है बी वो कहाँ जा रहा है, बी कम हो, मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या कहना चाह रहे हो। सर जो वेपर के अंदर हमारा ए और बी प्रेजेंट है तो जैसे जैसे हमारा, सुनो तुम सबसे पहले फर्स्ट केस की बात कर रहे हो, यस सर, केस की बात कर रहे हो। हाँ अब बोलो, तुम्हारे पास ए और बी लिक्विड में थे, तुम्हारे वेपर्स बने ए और बी के, ठीक है, यस सर, तो ए के हमारे ज्यादा बने, जो बी के ऑलरेडी ऊपर प्रेजेंट थे जो आपने लिए 0.4, जो वो कम हुए नेक्स्ट स्टेज के अंदर। नहीं नहीं 0.4 मैंने लिए नहीं है, वो बने हैं वो भी साथ में, ए के साथ बी के भी बने हैं, तो अगर ए के 0.6 बने हैं तो बी के उसके अकॉर्डिंग 0.4 बने हैं, ये कह रहा हूँ मैं, ये लिए नहीं है मैंने पहले से, ये जब दोनों को वेपराइज कर रहा हूँ तो दोनों एक साथ वेपराइज हो रहे हैं, ए बस ये है कि थोड़ा पहले शुरू हो गया एक दो सेकंड, एक दो मिनट, और बी क्या है फिर बाद में शुरू हुआ, तो इस जब मैंने उसको सर जो सेकंड केस है, सेकंड केस के अंदर हमारा ए का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है और बी का ज्यादा हो रहा है। कहाँ है सेकंड केस में, ए का देखो बढ़ रहा है 0.6 और बी का 0.4 है। नहीं नहीं सर, वेपर वेपर फेज की बात कर रहा हूँ, जो हमारा ए का बढ़ रहा है बी का कम हो रहा है, जैसे बी का 0.2 कम हो गया तो वो हमारा लिक्विड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाएगा वापस। नहीं तो बेटा वो मैंने वेपर्स यहाँ थोड़ी छोड़े हैं, वो वेपर्स को मैंने यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया है, यहाँ बन रहा है वो, देखो ये वेपर्स, यही वेपर्स जो थे ना फर्स्ट केस के, इसी को तो सेकंड केस का लिक्विड बनाया मैंने, जो वेपर्स थे फर्स्ट केस के उसको कंडेंस करके सेकंड केस का लिक्विड बनाया मैंने, मैंने सेकंड केस में अलग लिक्विड नहीं लिया है, जो फर्स्ट के वेपर्स बने थे ना, जो कंपोजिशन 0.6 और 0.4 के साथ बने थे उसी को ही कंडेंस किया, तभी तो लिक्विड में भी वही कंपोजिशन रही उसकी, समझे अब? यस सर। हाँ ये चीज हो रही है, तो हम यही कर रहे हैं कि पिछले के वेपर्स उठा के अगले को लिक्विड बना रहे हैं, फिर अगले के वेपर्स उठा के उससे अगले वाले को लिक्विड बना रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं हम, ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा अभी एक चीज नोट करना, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं फर्स्ट केस में, ये फर्स्ट केस में ठीक है कंपोजिशन क्या थी, 0.5 थी इसकी, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट आएगा इसका कुछ ना कुछ, ठीक है, ये यहाँ पे बॉयल हो रहा है जैसे, तो यहाँ पे क्या है अगर हम बेसिकली बात करें, ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या बात करें, देखो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा, मैंने मान लो टीवी मान लिया, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कुछ मान लिया, ठीक है, अब मुझे बताओ क्या अब यहाँ पे भी हम बॉयल कर रहे हैं इसको, यहाँ पे भी कुछ टीबी डैश होगा, सेकंड केस में भी टीबी डैश होगा, अब मुझे ये बताओ तुम्हें क्या लग रहा है, टीबी मतलब कि टीबी और टीबी डैश अलग होंगे या टीबी और टीबी डैश सेम होंगे, तुम ये बताओ, अलग होंगे। एक बार लिक्विड की कंपोजिशन 0.5 से शुरू करी, एक बार 0.6 और 0.4 से शुरू करी, तो मुझे ये बताओ टीबी और टीबी डैश अलग होंगे या सेम होंगे? सर अलग होंगे, अलग अलग होंगे, क्यों अलग होंगे? हाँ क्योंकि यहाँ पे अगर वेपर प्रेशर की बात करूं सर, टीबी डैश वाले में वोलेटाइल कंपोनेंट ज्यादा है, तो मतलब ये चीज बोल सकते हो कि देखो जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि हमने बॉइलिंग पॉइंट कब होता है, जब वेपर प्रेशर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, अब यहाँ पे वेपर प्रेशर अगर मैं बात करूँ वेपर प्रेशर फर्स्ट केस में और वेपर प्रेशर सेकंड केस में, तो किसमें ज्यादा होगा वेपर प्रेशर, सेकंड केस में ज्यादा होगा, है ना, सेकंड में ज्यादा होगा क्योंकि वोलेटाइल कंपोनेंट भी ज्यादा है, उसका मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा है, ठीक है ना, ये चीज हो गई, तो क्या है हम ये बोल रहे हैं कि हर स्टेज पे क्या है बॉइलिंग पॉइंट हल्का हल्का चेंज होगा, अगर यहाँ पे टीबी है तो यहाँ पे टीबी डैश होगा और यहाँ पे क्या है टीबी डबल डैश हो जाएगा, मतलब ए और बी के मिक्सचर का अगर मैं बॉइलिंग देखूं, देखो ए और बी का अगर मैं यहाँ से चीज नोट मेरे के दिमाग में आ रही है कि ए और बी के केस में क्या हो रहा है, जैसे जैसे कंपोजिशन चेंज हो रही है वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या है कि हम ये नहीं बोल सकते कि वो जो हमने मतलब कि स्टेप्स किए हैं स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर उसमें क्या है कॉन्स्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर रहा, नहीं हम ये नहीं बोल सकते,
हमारा स्टेप वन पे भी क्या है बॉइलिंग पॉइंट अलग था, स्टेप टू के लिए बॉइलिंग पॉइंट अलग था, स्टेप थ्री के लिए बॉइलिंग पॉइंट अलग था, ठीक है ये चीज ध्यान रखना। तो ये दो चीजें क्लियर हुई पहले तो, ठीक है पहले तो मैंने तुम्हें ये बताया कि सेपरेशन कैसे हो रहा है, ठीक है दूसरी चीज ये बताया कि हर पॉइंट हर स्टेप में क्या है बॉइलिंग पॉइंट कुछ अलग होगा, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा लेकिन हाँ कुछ कुछ डिफरेंस रहेगा लेकिन, ठीक है ये चीज क्लियर हुई। ठीक है मतलब अब ये चीज क्लियर कर इसलिए कही गई है क्योंकि हम जब एजियोट्रोप पढ़ेंगे ना, अब जब एजियोट्रोप पढ़ेंगे ठीक है उसमें ये चीज हमें देखने की, ये जो दो पॉइंट मैंने बोले है ना कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है और ये सेपरेट नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, ये दोनों पॉइंट हमने समझने थे इसलिए मैंने ये कहानी बताई सारी। अब देखो अब एजियोट्रोपिक क्या होते हैं बेसिकली, देखो एजियोट्रोप की बात करते हैं हम, एजियोट्रोप की अगर बात करें तो देखो एजियोट्रोप मिक्सचर हमने क्या बोला कि मिक्सचर्स होते हैं दो लिक्विड का मिक्सचर होते हैं लेकिन इसमें एक कंपोजिशन ऐसी रहती है, ठीक है एक कंपोजिशन ऐसी आती है जिसको हम क्या है फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। मतलब कैसे, जैसे अज्यूम कर लेते हैं देखो मेरे पास क्या है यहाँ पे ए और बी का मिक्सचर है, ठीक है ए और बी का मिक्सचर है, ठीक है अगर मैं इसकी 0.6 ले लूं, चलो 0.6 तो रहने दो उतना ले लेता, 0.7 ले लिया मैंने इसका, 0.3 ले लिया, ठीक है देखो अगर मेरा यहाँ पे अगर मतलब ऐसे समझाऊंगा देखो, अगर मान लो मेरे यहाँ पे वेपर्स बने उसकी कंपोजिशन क्या हो गई मान लो 0.7 और 0.3 हो गई, ठीक है यहाँ पे वेपर्स बने ए की 0.7 और बी की 0.3 हो गई, ठीक है इन वेपर्स को मैंने कंडेंस किया, ठीक है यहाँ पे क्या हुई 0.7 ए और बी कितना है 0.7 और 0.3 में, ठीक है यहाँ पे वेपर्स बने, यहाँ वेपर्स की कितनी हो जाएगी 0.7 और 0.3 हो जाएगी ए और बी। मुझे ये बताओ अगर मैं ये चलता रहूंगा ये क्या सेपरेट आउट हो पाएगा? नो सर सेपरेट नहीं हो पाएगा। देखो अब समझाता हूँ मैं, अब समझाता हूँ देखो, मतलब मैंने एक ऐसे अज्यूम कर लिया, मैंने कंपोजिशन ऐसे अज्यूम कर ली कि अच्छा जब मैं ए को क्या करता हूँ ए और बी को 0.7 और 0.3 लेता हूँ तो उसकी वेपर फेज की कंपोजिशन भी सेम ही आती है, मतलब जैसे ऊपर तो क्या आ रहा था अगर मैंने 0.5 लिया तो वेपर फेज से लगा रहा था 0.6 और 0.4, लेकिन एक कंपोजिशन मैंने ऐसी दे ली ए और बी की, मतलब इस तरीके से ले ली कि उसकी वेपर फेज की कंपोजिशन भी वही रहे जो उसकी लिक्विड फेज की थी, यानी 0.7 और 0.3, ठीक है 0.7 और 0.3, तो यहाँ पे वेपर फेज की कंपोजिशन भी 0.7 0.3 होगी, है ना। फिर मैंने उन वेपर्स को कंडेंस किया तो फिर से लिक्विड की कंपोजिशन क्या हो गई 0.7 और 0.3 होगी ए और बी की, तो फिर से वेपर की कंपोजिशन क्या रहेगी 0.7 और 0.3 रहेगी, है ना। अब ये बताओ कितनी बार मर्जी कर लो इसको क्या हर लेवल पे 0.7 और 0.3 चेंज होगा, किसी भी स्टेप में 0.7 और 0.3 चेंज नहीं होने वाला, नहीं होगा सर। ये चीज क्लियर हुई, मतलब ये होते हैं हमारे एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ये होते हैं हमारे एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब क्या है मतलब ऐसी कंपोजिशन हमने ले ली, ऐसा हमने मिक्सचर ले लिया, मिक्सचर के अंदर एक ऐसी कंपोजिशन रख दी हमने जहां पे क्या है कि वो सेपरेट आउट ही नहीं हो पा रहे हैं, मतलब वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग ही नहीं हो पा रहे हैं, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो मुझे ये बताओ कि अगर मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट टीबी है पहले वाले एक का, इसका क्या होगा टीबी डैश होगा, मान लो वो टीबी डैश और टीबी सेम होगा या अलग होगा? सेम सेम होगा। कितने स्टेप कर लो, हर स्टेप में सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? सेम रहेगा सर। हर स्टेप में सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, यही चीज मेरे को बतानी थी, यही चीज मेरे को एजियोट्रोप में बतानी थी कि एजियोट्रोप एक ऐसे बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं जिनकी सेम कंपोजिशन रहती है वेपर और लिक्विड फेज में, ठीक है जिनकी लिक्विड और वेपर फेज में क्या है सेम कंपोजिशन रहती है, ठीक है लिक्विड और वेपर फेज में सेम कंपोजिशन रहती है। अगर सेम कंपोजिशन आ जाए तो दो चीजें होती हैं, पहली चीज कि वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं हो सकते, वो मैंने तुमको दिखा दिया। दूसरी चीज कि उनका बॉइलिंग पॉइंट कभी भी नहीं बदलता, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है कॉन्स्टेंट रहता है, वो कॉन्स्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पे क्या है मतलब कि बॉयल होते रहते हैं, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे बोली, बस यही लिखवाया है मैंने ये दो पॉइंट, ठीक है। मैंने देखो अपनी तरफ से कोशिश करी है कि इसको समझाने की, अगर सही में समझ में आया सारा डाटा अपनी तरफ से ऐसे बनाया है, ठीक है अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, मतलब कि अब रट्टा नहीं मारना पड़ेगा तुमको, ठीक है। लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो फिर लास्ट ऑप्शन यही है कि तुम सिर्फ याद रख लो कि ऐसा होता है, बस खत्म बात ही है, ठीक है इतना करना है। तो ऐसे तो सर फर्स्ट केस में भी कोई ऐसा कंपोजिशन बनेगा जिसके बाद वो सेपरेट आउट नहीं हो पाएंगे, किसमें
सर जो इससे पहले जो हमने इस एडिटोट्रॉप से पहले जो हमने किया था जिसमें हम सेपरेट कर रहे थे इसमें हाँ. चेंज हो रहे हैं उसमें भी तो सर ऐसा कोई स्टेप आ सकता है जिसमें ये मतलब ये ऐसा सॉल्यूशन बन जाए वो. हाँ हो सकता है, कोई क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. मतलब तुम ऐसा कर रहे हो कि तुम ऐसा कर रहे हो कि धीरे धीरे उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर रहे हो, बीच में कंपोजिशन आ सकता है वो. लेकिन वही तो बोल रहा हूँ कि सिर्फ वो कंपोजिशन वाले अगर लिक्विड को उठाओगे ना तुम, अगर वो स्टेप वाले को उठाओगे तो वो एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, अगर उसको अलग से देखोगे तुम, अगर उसको अलग से देखोगे तो एजियोट्रॉपिक है. सर हम इनसॉल्युबल लिक्विड ले फिर इमिसिबल की तो कहानी अलग होती है, इमिसिबल की तो कहानी अलग होती है ना, उसको तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेटिंग क्यों करना, वो तो हम सेपरेटिंग फनल वगैरह से यूज कर लेते हैं ना. नहीं सर अगर हम दोनों को एक टाइम पे मिक्स कर देते हैं वो तो बाद में अपने आप सेपरेट आउट होता है, और जैसे हमने मिक्स करा उसे साथ ही हम हीट कर देते हैं वेपर तो जब भी बनते हैं उसके. हाँ पर उसमें वही तो बोल रहा ना, उसमें ये कंसेप्ट होता ही नहीं है. जो देखो ये जो कंसेप्ट है, ये जो हमने आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन का पढ़ा है, ये हम मिक्सिबल के लिए पढ़ रहे हैं. इमिक्सिबल के लिए सीधा सीधा उनका प्रेशर जो होता है ना, उनके जो प्योर प्रेशर होता है उसी के सम के बराबर होता है. ठीक है, अगर मैं मान लो इमिसिबल की बात करता हूँ ना, दो इमिसिबल लिक्विड है तो उनका जो टोटल प्रेशर होता है वो पता किसके इक्वल होता है, कोई मोल फ्रैक्शन का कुछ लेना देना नहीं है, उनका जो टोटल प्रेशर होता है एक का प्योर प्रेशर दूसरे का प्योर प्रेशर ऐड कर दो वही टोटल प्रेशर होता है उनका. तो वहां मोल फ्रैक्शन वो इंडिपेंडेंट होते हैं इमिसिबल के केस में, तो वहां पे ये चीज एप्लीकेबल ही नहीं होगी कि मतलब कि कैसे रहेगा क्या नहीं रहेगा. वहां पे तो ऐसा होगा कि इमिसिबल लिक्विड है जो टोटल प्रेशर बनेगा ए के हिसाब से बनेगा बी के हिसाब से बनेगा. ठीक है, ये चीज रहेगी वहां पे. तो वहां पे एजियोट्रॉपिक बनेंगे ही नहीं, मतलब सीधी सी बात है, ये कहने की बात है. मतलब तो यहां तक चीज क्लियर हुई? ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? तो मतलब यही मैं समझाना चाह रहा था कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, ये वो बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं. इसमें बस तीन चीजें याद रखनी है, मतलब कि तीन चीजें क्या है. पहली चीज, जब भी कभी कंपोजिशन वेपर फेज की और लिक्विड फेज की सेपरेट आ जाती है, पहली चीज तो यही होगी. मैंने बताया था कि देखो वही एग्जांपल लिया था कि अगर ऐसा होता तो ही होता, जब कंपोजिशन सेम नहीं थी ना फर्स्ट, इसमें देखो इस वाले में कंपोजिशन सेम नहीं थी वेपर और उसकी, तभी वो सेपरेट आउट हो पा रहे थे. जैसे ही कंपोजिशन सेम हो गई वेपर की और लिक्विड की, तभी वो सेपरेट आउट भी होना बंद हो गए. तो वही चीज है, बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं जिनकी वेपर फेज की और लिक्विड फेज की कंपोजिशन सेम होती है. ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि ये क्या है, इनका कॉन्स्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, इनका मतलब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल करते हैं. तीसरी चीज क्या है कि इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते. ये चीज क्लियर हुई यहाँ तक? सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के स्टेप में अगर कोई ऐसी स्टेप आ जाए तो उस समय इसको एजियोट्रॉप नहीं कहें क्या? नहीं देखो सुनो सुनो, मैं बोल रहा हूँ, देखो एजियोट्रॉपिक ऐसे नहीं समझना कि तुम्हें इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर ये आ रही है. मैं ये कह रहा हूँ एक कंपोजिशन को लेना है. ठीक है, जैसे तुमने मान लो स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर तक चल रहे हो, स्टेप फोर तक चल रहे हो तुम, स्टेप फोर में क्या हुआ, कंपोजिशन ऐसी आ गई कि जो एजियोट्रॉप बना सकती है, कंपोजिशन ऐसी आ गई जो एजियोट्रॉप बना सकती है, तो वो स्टेप फोर वाला जो सोल्यूशन होगा ना, सिर्फ जो स्टेप फोर वाला सोल्यूशन होगा, ठीक है, वो क्या है, वो एजियोट्रॉपिक कहलाएगा. यानी वो कंपोजिशन में अगर तुम रखते हो तो तुम्हें एजियोट्रॉपिक पता चलेगा. मतलब जैसे यहां समझ लो कि तुमने स्टेप वन किया, देखो जरा यहां तुमने स्टेप वन किया, ठीक है, ये चीज हो गई. यहाँ तुमने स्टेप टू किया, ये वाला स्टेप टू हो गया. ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं कि वैसे तो ऐसा होगा नहीं क्योंकि कंपोजिशन बदल ही रही है, लेकिन एज्यूम कर लेते हैं कि स्टेप फोर में जाके या स्टेप थ्री में जाके हमारा एजियोट्रॉपिक हो गया, मतलब कंपोजिशन ऐसी होगी सेम हो गई, बस उसके आगे फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर ही नहीं सकते हम उसका. यानी तुम स्टेप थ्री वाले, हाँ जो स्टेप थ्री वाले सोल्यूशन को है ना, सिर्फ उसको बोलोगे एजियोट्रॉपिक, तुम इसको नहीं बोलोगे स्टेप टू वाले को कि ये एजियोट्रॉपिक है, नहीं, तुम स्टेप वन वाले को नहीं बोलोगे कि ये एजियोट्रॉपिक है, नहीं, इसको नहीं बोलोगे तुम. ठीक है, अगर तुम मान लो इस कंपोजिशन से स्टार्ट कर रहे हो या तुम इस कंपोजिशन से स्टार्ट कर रहे हो तो तुम इसको एजियोट्रॉपिक नहीं बोलोगे क्योंकि यहाँ पे ये बॉयल हो रहे हैं और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट हो रहे हैं. वो तो वो स्टेप थ्री वाला अकेला क्या हो गया कि मतलब स्टेप थ्री वाला जो हो गया हमारा एजियोट्रॉपिक हो गया. क्या पता इस स्टेप टू को करते हुए स्टेप थ्री आए ही ना, स्टेप टू को करते हुए स्टेप थ्री आए ही ना. ठीक है, वो सिर्फ एक कंपोजिशन के लिए होता है. अगर तुम ये वाली कंपोजिशन ले रहे हो तो इसमें नहीं आएगी वो चीज. ठीक है, ये चीज है. तो ऐसा रहेगा हमारा. चलो, तो ये हमारा क्या हो गया, एजियोट्रॉपिक का मिक्सचर हो गया. अब एजियोट्रॉप जो होते हैं ना वो दो तरह के बनते हैं. देखो अब तो पहले अगर मुझे ये देखना हो कि एजियोट्रॉप बनते कौन सी कंपोजिशन पे है तो मैं उनकी ग्राफ से पता लगा सकता हूँ. देखो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पहले तो बनाते कौन है, मैं यही लिख देता हूँ चौथा पॉइंट भी. एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कौन बनाते हैं जो कि डेविएशन दिखाते हैं राउल्ट फ्लो से, डेविएशन फ्रॉम राउल्ट फ्लो. जो राउल्ट फ्लो से डेविएशन दिखाते हैं ना वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं, यानी पॉजिटिव डेविएशन और
नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव वाले भी एक्सोट्रॉपिक मिक्सचर बना सकते हैं, नेगेटिव वाले भी। मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा बनाएगा कौन सा नहीं, तो देखते हैं। चलो देखो, जैसे मैंने मैं ये वैसे बता रहा हूँ, देखो जैसे ये आइडियल मतलब कि ये था आइडियल सॉल्यूशन की बात की, टोटल वेपर प्रेशर की। पॉजिटिव में क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसे रहता है, ठीक है हमारा। अच्छा, हमें कौन सा पता चलेगा कौन सी कंपोजिशन पे वो बनाएगा, कौन सी कंपोजिशन में बनाएगा, तो हम ग्राफ से पता लगा सकते हैं। मतलब बस देखना है कि कैसे पता लगाना। देखो जरा, जो भी ग्राफ में जो पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ होगा, इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, जो जहाँ पे टोटल प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होगा, कहाँ पे, जैसे मान लो ये मैक्सिमा का पॉइंट है, ठीक है, ये मैक्सिमा का पॉइंट है मेरा, ठीक है, यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा, सबसे मैक्सिमम होगा, ठीक है। बस इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कम्पोजिशन हो जाएगी ना, ये वाली कम्पोजिशन की, यहाँ पे एक्स ए कितना है और एक्स आई बी कितना है, उसके हिसाब से अगर तुम ये लोगे तो ये क्या है, हाईएस्ट वेपर प्रेशर वाला सॉल्यूशन बनेगा, और यही क्या है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगा, ठीक है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगा, ठीक है। ऐसी अगर तुम नेगेटिव वाले की बात कर लो, यही दिखा देता हूँ मैं तुमको, नेगेटिव वाले मान लो यहाँ पे क्या है मेरा, मिनिमा आ रहा है बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पे मिनिमा आ रहा है बिल्कुल, ठीक है, तो यहाँ पे इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कम्पोजिशन हो जाएगी मेरी, ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग कम्पोजिशन हो जाएगी, यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या है, यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या है, मिनिमम है, यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। पॉजिटिव के केस में मैक्सिमम होगा मिनिमम, उसके केस में नेगेटिव के केस में मिनिमम प्रेशर वाली जो कंपोजिशन होगी वो क्या है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगी, ठीक है। अब देखो, हमें पता है कि वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के, कि अगर वेपर प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, और अगर वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, पॉजिटिव डेविएशन के केस में अगर वेपर प्रेशर मैक्सिमम वाली कंपोजिशन हम देख रहे हैं, वेपर फेज मैक्सिमम वाली कंपोजिशन देख रहे हैं एजियोट्रॉप के लिए, एजियोट्रॉप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे ये बताओ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उसका, अगर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा कि नहीं होगा, यस सर, है ना। तो जो पॉजिटिव डेविएशन वाले होते हैं ना, वो क्या बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये क्या बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। यानी एजियोट्रॉप को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हमारे कौन से हो गए, जहां पे हमारा क्या है, पॉजिटिव डेविएशन होगा, ठीक है, वेपर प्रेशर का। एक मिनट, हम क्या बोल रहे हैं कि एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप तब क्या लाएंगे जब वो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहे होंगे, और पॉजिटिव डेविएशन में भी वो क्या है, अगर वेपर जो मैक्सिमम प्रेशर वाली होगी वही कंडीशन है, इसलिए वो हम उनको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बताते हैं। यानी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पॉजिटिव डेविएशन वाले दिखाते हैं। सेम अगर नेगेटिव डेविएशन वाले को चेक करूं, तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या मिनिमम होगा, यस सर, वेपर प्रेशर मिनिमम होगा, ठीक है, और वेपर प्रेशर मिनिमम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। तो जो नेगेटिव डेविएशन वाले होते हैं वो क्या बनाते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप बनाते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप, ठीक है, एजियोट्रॉप बनाते हैं, ये चीज हो गई, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल हो गया नेगेटिव डेविएशन वाले में, HNO3 और वॉटर का एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें जैसे हो गया हमारा कौन सा, इथेनॉल और वॉटर का एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कंपोजिशन लेते हैं, इथेनॉल 95% लेते हैं, ठीक है, और वाटर क्या है, हम 5% लेते हैं अगर, ठीक है, तो ये वाली कंपोजिशन जो होती है हमारी क्या है, मतलब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगी, ठीक है। HNO3 के केस में क्या है, अगर हम ये 68% लेते हैं, ये 32% लेते हैं वाटर, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगी, ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पे एजियोट्रॉप वाली चीज क्लियर हुई तुमको, क्लियर है यहाँ तक, कुछ डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो आगे चलते हैं, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। अब मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप नहीं समझा, मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप देखो, नेगेटिव डेविएशन वाले कहाँ एजियोट्रॉप बना रहे हैं, देखो जहाँ पे वेपर प्रेशर मिनिमम है, उसी कंपोजिशन पे जहाँ पे वेपर प्रेशर सबसे मिनिमम आ रहा है उनका, यानी इस वाली कंपोजिशन पे, ठीक है। अगर वेपर प्रेशर सबसे मिनिमम है तो वहां पे उसी कंपोजिशन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे मैक्सिमम होगा, मतलब अगर तुम अलग अलग कंपोजिशन ले रहे हो तो सिर्फ जो एजियोट्रॉपिक वाली कंपोजिशन है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे मैक्सिमम पे होगा उसमें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बना रहे हैं,
मतलब एजियोट्रॉपिक मिक्स है जिनका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है, बस ये है ठीक है। तो मतलब यहाँ पे यही देखना है कि पॉजिटिव डेविएशन वाले क्या करते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं, नेगेटिव डेविएशन वाले क्या करते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं। क्लियर हुई ये चीज? Yes. चले अब आगे, यहाँ तक कुछ भी दिक्कत हो तो पूछ लो कुछ भी हो तो। नो सर, नो सर, एक मिनट लिख लेते सर। चलो अब हम करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं ठीक है। अब हमने आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लिया ठीक है, अभी तक अब हमारा क्या है, सारा थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो गया, समझने का पोर्शन खत्म हो गया मतलब मैक्सिमम। इसके बाद जो रहेगा वो सारा हमारा 90% क्या है थ्योरेटिकल रहेगा, 90% क्या है न्यूमेरिकल रहेगा, और 10% क्या है थ्योरेटिकल थ्योरी समझने की होगी उसमें पर ठीक है। और अगले में जो है उसमें से एक क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये चैप्टर देखो, ये चैप्टर में क्या है जनरली न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा आता है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर अगर तुम देखोगे, तुम क्वेश्चन भी जब लगाओगे ना, तुम्हें दिखेगा कि सारे क्या है न्यूमेरिकल ही है इसमें, और कुछ भी नहीं है ठीक है। ये चीज है, और इजी होता है, कोई मुश्किल भी नहीं होता इतना ठीक है, ये चीज है। और थ्योरी जो है ना, कंसेप्ट जो है वो यही है जो हमने पढ़े हैं, इसके बाहर तुमसे कुछ नहीं पूछेगा। मतलब तुम ऐसे मत समझना कि वो घुमा फिरा के, मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन तो ऐसे पूछ सकते, लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा कि तुम्हें पता ही नहीं होगा कि क्या हो रहा है इसमें, क्या नहीं हो रहा ठीक है ना। ये चीज ना, नेगेटिव डेविएशन एज़ियोट्रॉप और पॉजिटिव डेविएशन एज़ियोट्रॉप। हाँ सर, इनके टाइप्स जो दो आपने कहा था उनका नाम तो ये होगा ना, एजियोट्रॉप के जो दो टाइप है ना, एजियोट्रॉप के जो दो टाइप है वो ये है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। बस ये तो ये बताया था, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन बनाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन बनाते हैं, नेगेटिव। तो टाइप तो मिनिमम और मैक्सिमम वाले हैं ठीक है। चलो सर, ये मिनिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सर का पूरे H2O प्लस इथेनॉल का, मतलब पूरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाँ, ये कांस्टेंट होगा इनके पूरे का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ठीक है। जैसे मतलब सर, वाटर का तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, और इथेनॉल हाँ, का कुछ इथेनॉल का हाँ, इनका जो मिलके होगा ना, इनका देखो वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है, तो इनका जो वेपर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो वाटर से भी कम होगा और इथेनॉल से भी कम होगा, इतना हमें पक्का पता है। ये नहीं एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी ये नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है इथेनॉल से भी कम होगा और वाटर से भी कम होगा। ओके सर, ओके सर ठीक है, ये चीज है। चलो चलो आगे चले अब। चलो देखो, अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और फिर इसको खत्म करते हैं। चलो देखो, लेके चलते हैं। देखो ये है हमारे पास एक क्वेश्चन है ठीक है, एग्जांपल ही करवा रहा, तुम्हारे जो एग्जांपल दे रखे हैं ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस इज 47.1 टोर ठीक है। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन एट 37 डिग्री सेल्सियस कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 5500 ग्राम ऑफ वाटर। चलो वेपर प्रेशर दे रखा है उसने प्योर वाटर का ठीक है, उसने प्योर वाटर का वेपर प्रेशर बोल रखा है, यानी पी नॉट एच टू ओ दे रखा है कितना, 47.1 टोर ठीक है। ये चीज हो गई। अच्छा, वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मुझे वेपर प्रेशर निकालना है सोल्यूशन का जिसमें क्या है 20 ग्राम ग्लूकोज मिला हुआ है 500 ग्राम पानी के अंदर। पहले तो मुझे ये बताओ, तुम्हें इसको देख के क्या चीज याद आई है कि ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, बता सकते हो मुझको? हमने मतलब रिसेंट में किया, कल परसों में किया है ये टॉपिक। राउट स्लो में भी दो केस थे, उनमें से कौन सा है? हेनरी लो तो नहीं लगेगा, बताऊंगा अभी क्यों। सर वो नॉन वोलेटाइल वाला। हाँ वेरी गुड, नॉन वोलेटाइल वाला। देखो सुनो, दिमाग में ये चीज रखो, हेनरी लो तब रखता है जब लिक्विड के अंदर कोई गैस आ रही हो ठीक है। यहाँ पे कोई गैस नहीं आ रही, ग्लूकोज एक सॉलिड है ठीक है, हेनरी लो तब लगता है जब गैस आ रही हो। राउल्ट्स लॉ में भी दो चीजें थी, जब लिक्विड के अंदर लिक्विड था और लिक्विड के अंदर सॉलिड था, तो ये सॉलिड आ रखा था, लिक्विड इन सॉलिड बनेगा, मतलब सॉरी सॉलिड इन लिक्विड बनेगा ये केस ठीक है। तो ऐसे हेनरी लॉ नहीं सोच रखे, हेनरी लॉ, हेनरी लॉ के लिए ये क्या है, गैस होनी चाहिए वहां पे बस ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ लगेगा, राउल्ट्स लॉ में भी वो लगेगा जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाले, तो उसमें हमने ये चीज बोली थी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में कि सॉल्यूट पे तो डिपेंड करता नहीं है, जो वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे ठीक है। तो वही है, पी सॉल्यूशन कैसे निकल आएगा, अगर मैं पी वेपर प्रेशर निकालू सॉल्यूशन का तो वो कितना निकल आएगा, पी नॉट एच टू ओ इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एच टू ओ, यही होगा कि नहीं होगा।
है ना, बस पी नॉट एच टू मुझे पता है 47.1 टोर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एच टू ओ निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एच टू ओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच टू ओ डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच टू ओ प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, सबका मास तुम्हें दे रखा है ग्लूकोज का, ठीक है, वाटर का, मोल्स निकालो, मोल फ्रैक्शन निकालो और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। यहाँ चीज क्लियर हुई कि नहीं ये वाली? यस सर। ठीक है चलो अब क्वेश्चन कर लेना, मैंने बस बता दिया तरीका ऐसे करना है, इसको कर लेना, ठीक है ये चीज हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। चलो देखो ये चीज हो गई, ठीक है एग्जांपल 20 मैंने तुम्हारा, ये बोल रहा है एट 40 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर इन टोर ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस, ठीक है, वेयर एक्स काई इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल देन द वैल्यू ऑफ लिमिट इज दिस। उसने क्या दिया है देखो, अब ध्यान से देखो, उसने क्या लिया है, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल का मिक्सचर लिया है, तो क्या हेनरी फ्लो लगाओगे राउल्ट फ्लो लगाओगे, like liquid in liquid Raoult slow लगेगा, Raoult slow liquid in liquid, like का क्या चीज होगी, like इसमें नहीं देखते, like interaction में देखते हैं कि अगर polar है तो polar है वो ऐसे। हाँ तो देखो methyl alcohol और ethyl alcohol दोनों liquid है, ठीक है liquid का हमें liquid का solution हो गया ये हमारा, ठीक है liquid liquid का solution हो गया तो लगेगा Raoult slow। अब Raoult slow भी दो तरीकों से लगता है, volatile और non volatile। हाँ वोलेटाइल के केस में अगर हमें टोटल निकालना हो, वोलेटाइल के केस में टोटल प्रेशर निकालना हो तो हम कैसे निकालते थे याद हो तो, पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट आई बी, ठीक है। लेकिन अगर नॉन वोलेटाइल की बात आ जाए तो हमें ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती थी, क्यों, क्योंकि वहां पे ए का तो कोई रोल होता ही नहीं था, वहां पे जो टोटल प्रेशर होता था वो किसी के इक्वल होता था, बी के इक्वल ही होता था, वो क्या रहता था पी बी नॉट आई बी, इसलिए मैंने पिछले केस में सिर्फ ये चीज लगाई थी क्योंकि वहां पे ग्लूकोज था, लेकिन अब ये वाला सोल्यूशन है तो ये वाली चीज लगाऊंगा मैं, ठीक है। अब देखो उसने जो दे रखा है किसके उस पे दे रखा है, काइये के बेसिस पे दे रखा है, तो हम इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तो काइये में क्या आ जाएगा, ये टोटल प्रेशर अगर काइये के टर्म में लिखूं तो ये आ जाएगा पी बी नॉट पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट काइये काइये, ये चीज हो जाएगी, ठीक है ये इक्वेशन होगी हमारी, मतलब अगर हम इसको लिखे तो पी ए नॉट काइये प्लस ये चीज होगी, इसको ऐसे लिख लिया, वो इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को इसके जैसे बना रहा था, काइये पहले लिखा हो तो ये। अब अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, देखो ये वाली इक्वेशन को मुझे ये दे रखा है P is equal to this, और ये वाला मुझे पता है होता है, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो क्या मुझे पी बी नोट मिल गया कि पी बी नोट कितना है 135 मिला कि नहीं मिला, टोर में है ना, ये मिला कि नहीं मिला बोलो, यस सर, है ना। देखो मुझे क्या करना है, मुझे पीए बाय काइए निकालना है, बेसिकली पीए बाय काइए, ठीक है मुझे काइए चाहिए, मुझे पीए चाहिए, अगर ये निकालना है तो मैं बस वही कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। पीए बाय काइए वैसे होता किसके इक्वल है, पीए नोट के इक्वल होता है ना, पीए बाय काइए किसके, पीए नोट के इक्वल होता है, तो मुझे क्या है, अगर पीए बाय काइए चाहिए तो मुझे पीए नोट चाहिए बेसिकली, तो बस मैंने इसलिए क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दिया, 119 काइए प्लस 135, तो पीबी नोट तो मुझे मिल गया, और अगर मैं मान लो पी ए नोट माइनस पीवी नोट की वैल्यू पूछू तुमसे तो कितनी होगी, पी ए नोट माइनस पीवी नोट की वैल्यू अगर देखूं तो क्या करो, इसको काइये के साथ जो है उसको कंपेयर कर दो, तो काइये के साथ 119 है, काइये के साथ ही पी ए माइनस पीवी नोट आ गया, तो ये कितना आ गया 119 आ गया, ठीक है। पीवी नोट हमें पता चल चुका है तो पी ए नोट क्या आ जाएगा 119 और प्लस 135, ये चीज हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 254 टोर हो जाएगा ये, ठीक है ये चीज हो गई। अब हमसे उसने क्या पूछा है, हमसे उसने देखो क्या पूछा है, हमसे उसने पूछा है कि लिमिट निकालो पीए बाय काइए एस काइए अप्रोचेस वन, लिमिट पढ़ लिया तुमने, लिमिट पढ़ा होगा, नो yes, अच्छा चलो कोई नहीं, लिमिट का बोलने का मतलब है वो ये कहना चाह रहा है अगर काइए वन हो जाता मेरा तो ये बताओ कि पीए क्या होता हमारा, अगर काइए वन हो जाता हमारा तो हमारी ये इसका आंसर बताओ पीए क्या आता, फिर हमें पता है जब काइए वन हो जाएगा तो पीए पीए नोट के इक्वल ही आएगा, ऑब्वियसली बात है ये पीए yes, नोट के इक्वल ही तो आएगा, और पीए नोट yes. की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 250 टोर, तो ये इसके हमारा आंसर क्या हो जाएगा 250 टोर आ जाता, ये चीज क्लियर है, यस सर सर चले आगे। हाँ चलो देखो नेक्स्ट हम देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं हमारा।
हाँ देखो ये आईआईटी में आए क्वेश्चन है, ठीक है, देखो सीधे सीधे क्वेश्चन होंगे। देखो उसने क्या बोला कि बेंजीन एंड नेफ्थलीन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर फॉर दिस प्रोसेस द ट्रू स्टेटमेंट इज और आर, ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट जो है इज और आर जो रहेगी, ठीक है। तो देखो हमने क्या बोला कि अगर हम बात करें जैसे बेंजीन और नेफ्थलीन एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सी कंडीशन सही होती है? डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो और डेल्टा बी डेल्टा एच क्या होता है हमारा? डेल्टा एच जीरो। हाँ डेल्टा एच हमारा क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, ठीक है, ये चीज रहती है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, मिक्सचर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट फ्लो एट 35 डिग्री सेल्सियस इज और आर, मतलब मिक्सचर वो कह रहा है कौन सा पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। तो मैंने तुम्हें कहा था ना सीधा सीधा देखो एग्जांपल ही, कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन, बी बी हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो हमने पढ़ा है कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथेनॉल। अब यहाँ पे तुम्हें देखो तुमने क्या सोचा होगा कि हमने ये एग्जाम्पल तो पढ़ा नहीं, थोड़ा दिमाग में लगा लेना कैसे मिथेनॉल में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो जब तुम उसके अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड डालोगे वो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्टर्ब करेगा सर, ठीक है ना, ठीक है, ये चीज हो जाएगी हमारी। अब देखो ये चीज हो जाएगी तो मिथेनॉल उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ इंटरेक्शन वीक हो रही है या स्ट्रॉन्ग हो रही है? वीक सर, वीक हो रही है सर। तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा सर, वीक होती है तो। तो फिर बोले क्यों नहीं, ये सोचा क्यों नहीं, सीधा एग्जांपल पे थोड़ी की हाँ भी चलो ठीक है एग्जांपल भी, मतलब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसे टकर जाए ना थोड़ा दिमाग लगा लेना, मतलब ऐसे ही एग्जांपल जब तुम पढ़ोगे ना जो अंदर एग्जांपल दे रखे उसमें तुम्हें मिल जाएगा ये पक्का, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी, मतलब तुम एक चीज ध्यान रख सकते हो, अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है, और उसमें तुम कुछ ऐसी चीज डाल रहे हो कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्टर्ब कर सके, बस सीधी सी बात है। जैसे आपने इथेनॉल देखा था, ए भी दोनों सही होंगे सर इसके, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। सी होगा नहीं, सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेंजीन प्लस टोल्विन कौन सा होता है? ये कौन सा होता है? आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, आइडियल होता है। फिनोल और एनिलीन अभी पढ़ के आए, फिनोल और एनिलीन नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। तो बस पहले दो ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने तुम्हें यही बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में सीधा सीधा तुमसे पूछेगा, तभी घुमा फिरा के ऐसा नहीं पूछेगा, सीधा एग्जांपल वाला देगा तो सीधा सीधा दे देगा, ठीक है ना, ये चीज रहेगी। चलो ये देखते हैं हम, चलो देखो एग्जाम्पल 12 है तुम्हारा, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टोल्विन एट 40 डिग्री सेल्सियस एंड 185 टोर एंड 59 सॉरी हाँ द वेपर प्रेशर दे रखा है हमें प्योर बेंजीन का, रोटी दे रहा है 10-15 पर, क्या हो गया, रोटी मांग रहा है, कुछ नहीं सर, अब म्यूट हो लेना। चलो देखो वेपर प्रेशर ऑफ जो प्योर बेंजीन है और टोल्विन का कितना है हमारा, प्योर बेंजीन का इतना है, टोल्विन का इतना है, ठीक है। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द बेंजीन एंड टोल्विन, पहले तो पार्शियल प्रेशर निकालना है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है और मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का वेपर में, देखो इन द वेपर पर अबव द सॉल्यूशन दैट हैज 0.0 मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। क्वेश्चन बड़ा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन सारा राउल्ट फ्लो आ गया इसमें जितना भी पढ़ा था। क्या क्या पूछा है देखो, उसने हमें क्या दे रखा है, प्योर बेंजीन दे रखा है कितना 184 टोर, उसने हमें क्या दे रखा है प्योर टोल्विन दे रखा है कितना 59, बस ये डाटा दे रखा है। और दूसरी एक चीज दे रखी है काई ऑफ बी, बेंजीन का काई दे रखा है सॉल्यूशन के अंदर, वो कितना है 0.4, तो काई ऑफ टोल्विन कितना हो जाएगा 0.6। चार चीजें हैं, ये चार चीजें हैं हमारे पास, इसके हमारे सारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो उसने क्या क्या पूछा, उसने पहले क्या क्या पूछा है, पीबी पूछा है, बेंजीन का पार्शियल प्रेशर पूछा है, टोटल प्रेशर पूछा है सोल्यूशन का, ठीक है, और टोल्विन का उसने पूछा है, ठीक है, टोल्विन का उसने क्या है प्रेशर, पार्शियल प्रेशर पूछा है और टोटल पूछा है, फिर उसने क्या पूछा है वाई भी पूछा है, बेंजीन का क्या पूछा है मोल फ्रैक्शन पूछा है वेपर फेज में। तो सीधी सीधी सी बात है, पहले बेंजीन का पार्शियल प्रेशर निकालते हैं, बेंजीन का पार्शियल प्रेशर राउल्ट फ्लो से निकाल देते हैं सीधा, पीबी नॉट एक्स बी काई बी, पीबी नॉट काई बी, नॉट भी पता है, काई भी पता है, तो 184 इंटू 0.4 आ गई ये चीज, आ गया पहला चीज। प्रेशर ऑफ टोल्विन, पार्शियल प्रेशर ऑफ टोल्विन कितना हो जाएगा 59 इंटू 0.6। हाँ टोटल टोल्विन का मतलब कि प्योर प्रेशर, मतलब प्योर टोल्विन का प्रेशर और उनका मोल फ्रैक्शन, तो कितना आ जाएगा 59 इंटू 0.6। फिर उसने पी टोटल पूछा है, पी टोटल तो हमें पता ही है, पी बेंजीन प्लस पी टोल्विन,
ठीक है यही होता है, सबको ऐड कर दो और ये क्या आ जाएगा, पी टोटल आ जाएगा। एक चीज उसने और पूछ ली, वाई बेंजीन, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। ठीक है, वेपर फेज में क्या हो जाता है, मैंने तुम्हें कल भी बताया था, वेपर फेज में सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना होता है क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय पी टोटल प्रेशर बाय टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर भी निकला हुआ है, पार्शियल प्रेशर भी बेंजीन का निकला हुआ है, तो वाई बेंजीन आ जाएगा। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अच्छा, बच्चे ना एक चीज में कंफ्यूज हो रहे थे कि ऐसे कभी कभी वो सीधा लिख देते हैं फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। ठीक है, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। देखो, कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज बोलने का मतलब यही है कि मोल फ्रैक्शन निकाल ले जो भी वेपर फेज में पड़े हुए हैं। अगर मान लो यहाँ पे ये लिख देते ना कि फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा सर ये वेपर फेज की कंपोजिशन का मतलब क्या है। तो कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज का मतलब यही है कि उसके उसके अंदर जो जो भी प्रेजेंट है वेपर फेज में, जैसे यहाँ पे अगर बेंजीन और टॉलवीन होता तो बेंजीन के मोल फ्रैक्शन कितने हैं, टॉलविन के मोल फ्रैक्शन कितने हैं वेपर फेज में, वही वेपर फेज की कंपोजिशन हो जाती। और अगर यही वो कंपोजिशन सॉल्यूशन की पूछता तो काई बेंजीन निकालते, काई टॉलविन निकालते, वो क्या होती, कंपोजिशन हो जाती हमारी किसकी, सॉल्यूशन फेज की। ठीक है, ये चीज रहती हमारी। ठीक है, तो ऐसे वो मत हो जाना, कंफ्यूज मत हो जाना कि कंपोजिशन हम वेपर फेज की बोल रहे तो इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, ये चीज हो जाएगी हमारी। अच्छा, ये तो हो गया ना अपना, हाँ ये हो गया था। चलो ये देखते हैं, देखो यहाँ देखो, अभी दो क्वेश्चन है ये, ऑल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एक्सेप्ट। अब तुम देखो, तुम्हें नहीं पता, मतलब तुम्हें जो पढ़ा हुआ है ना, तुमने जो आइडियल के बारे में पढ़ा हुआ है उसको सोच के देखो जरा क्या हो सकता है। ऑल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एक्सेप्ट, कौन सा तुम्हें लग रहा है कि आइडियल सॉल्यूशन को मतलब नहीं बनाएगा बेसिकली, तुम्हें पहला दिख रहा है वो तो बनाएगा सर, पहला और दूसरा तो दोनों सेम ही है, सी आर और आई का फर्क है, ये बनाएगा ही बनाएगा, ज्यादा फर्क है नहीं है। दूसरे में C2H5Cl C6H5Cl, अच्छा ये गलत है, यहाँ पे C6 आएगा, ये सही गलत है सर, मतलब ये सिक्स आएगा यहाँ पे C6H5Cl। ठीक है, C2H5Cl लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, C6H5Cl आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर C2H5Cl होगा फिर ये नहीं बनाएगा यहाँ पे, इसने सिर्फ ये सिंगल करेगा था ना, तो ये C6H5Cl होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे yes. देखो Cl और Br का फर्क है, तो ये भी नहीं बनाएगा, मतलब ये भी आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, ये नॉन आइडियल नहीं बनाएगा। ठीक है, अगला बेंजीन है और टोलवीन है, बेंजीन और टोलवीन है, yes, है ना, तो ये भी आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। बच कौन सा जाएंगे, C2H5I और C2H5OH, देख के पता चल रहा है आयोडीन और OH में बहुत फर्क है, जो OH वाला होगा वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा साफ साफ सीधा दिख रहा है ना, और I वाला क्या होगा, मतलब उसकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो इनसे बिल्कुल मैच नहीं कर रही है, जैसे ऊपर तो क्या था ना, ज्यादा फर्क था नहीं, ब्रोमीन की जगह आयोडाइड ही लगा, तो ज्यादा फर्क आता नहीं इंट्रैक्शन वगैरह में। ठीक है, यहाँ पे इंट्रैक्शन में भी बहुत फर्क आ जाएगा कि एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, दूसरा क्या है नॉर्मल डाइपोल फोर्सेस, मतलब की डाइपोल फोर्सेस या फिर वैन डर वाल्स फोर्सेस ले रहा है बस वो। ठीक है, तो इसका मतलब डी हो जाएगा, जो कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है ना, पता चल गया, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिक्सचर है, नेगेटिव डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन में हमें पता है डेल्टा वी मिक्सिंग जो होता है वो क्या है, नेगेटिव होता है, यानी वी फाइनल और वी इनिशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वी फाइनल कम होगा एज कम्पेयर टू वी इनिशियल। इनिशियल देख लो कितना है, इनिशियल मिक्सिंग से पहले 50 ये था और 30 ये था, टोटल 80 था, तो मिक्सिंग के बाद क्या होगा, 80 से कम ही होगा, तो वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, ये चीज रहेगी हमारी। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? यस सर, यस सर। ठीक है, चलो क्या हो गया, बोलो ये वाला क्वेश्चन देखो। हाँ देखो, तुम्हें क्या करना है, उसने बोला है नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, किस कैसे बन रहा है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के मिक्सचर से। ठीक है, तो नॉन आइडियल में पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, और क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का तो एग्जांपल हमने किस में पढ़ा था, नेगेटिव डेविएशन में, ये नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि नेगेटिव डेविएशन के लिए जो डेल्टा वी मिक्सिंग होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव कहने का मतलब जो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल जो चेंज आता है, ठीक है, मिक्सिंग से पहले और मिक्सिंग के बाद जो वॉल्यूम है उसमें जो चेंज आता है वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव कब होगा, जब इनिशियल बड़ा होगा फाइनल कम होगा, तभी तो बड़े वाले के आगे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आएगा, इसका मतलब फाइनल वाला कम होगा इनिशियल ज्यादा होगा, इनिशियल यानी बिफोर मिक्सिंग। अब बिफोर मिक्सिंग क्या था, क्लोरोफॉर्म 30 ml था,
ठीक है, एसीटोन कितना था 50 ml था, तो बिफोर मिक्सिंग कितना था 80 ml, आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा, उससे तो कमी होगा ना फाइनल, जो आफ्टर मिक्सिंग वाली चीज है वो तो कमी होगी, तो 80 से कम होगी नेगेटिव केस में, अगर पॉजिटिव होता तो 80 से ज्यादा हो जाता, ठीक है, और अगर आइडियल होता तो 80 के इक्वल ही आता, ठीक है, यहाँ तक कुछ दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी कंटिन्यू, ठीक है, इसको पढ़ लेना अच्छे से जाके, ठीक है, जितना भी किया है ना वो सब का समझ में आ रहा, लास्ट पॉइंट क्या नहीं समझ में आया, लास्ट पॉइंट बोलो सर, लास्ट सेकंड वाला, ये ATML वाला, यस सर, अरे देखो यहाँ तक समझ में आया कि पहले मिक्सिंग से पहले कितना वॉल्यूम था, 80 था, ठीक है, यस सर, अब वो ये कह रहा है कि अगर मान लो तुम उसको मिक्सिंग कर देते हो ना, तो तुम्हारा 80 ml से कम वॉल्यूम आएगा, ठीक है, मान लो 79 आ गया, क्यों आएगा, क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा वी जो मिक्सिंग होता है वो कितना क्या होता है, नेगेटिव होता है, वो तभी नेगेटिव होगा जब फाइनल वाला जो वॉल्यूम है या आफ्टर मिक्सिंग वाला वॉल्यूम है वो कम होगा बिफोर मिक्सिंग से, सर आ गया, आफ्टर मिक्सिंग वाला जो है कम होगा बिफोर मिक्सिंग, तो आफ्टर मिक्सिंग कितना कितना आना चाहिए, 80 से कम ही आना चाहिए ना, तभी वो नेगेटिव बना सकता है, तो इसलिए उसने बोला कि लेस देन 80 होगा जो मिक्सचर का वॉल्यूम होगा, ठीक है, यस सर, चलो ठीक है, बाकी हम फिर अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, कुछ दिक्कत पढ़ लेना इसको जाके, कुछ दिक्कत हो तो फिर बता देना, देख लेंगे हम, ठीक है इसको, यस सर, चलो ठीक है फिर, बाय।